नमस्कार, मैं आचार्य लोकेश धमीजा। न्यूमरोलॉजी राशिफल में आज बात करते हैं 1 मार्च 2022 की। जानिए सभी मूलांक वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। बात करते हैं मूलांक नंबर 1 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 1। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। बच्चे किसी नए कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। मूलांक 1 वाले स्टूडेंट्स आज ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाएंगे। कामकाज और व्यापार के नजरिए से आज का दिन भी शुभ है और बिजनेस में कोई नया प्रोजेक्ट या डील मिल सकती है। आज के दिन लाल रोली मिलाकर सूर्य को जल दीजिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 2 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 2। मूलांक 2 वाले लोग आज काफी एनर्जेटिक फील करेंगे। आप अपने काम पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। आज पिता से आपको कोई अच्छी सलाह भी प्राप्त हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है और परीक्षा के उत्तम परिणाम मिलेंगे। यदि कुछ समस्या लगे तो आज गुड़ का सेवन कीजिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 3 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 3। मूलांक 3 वाले लोग आज किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों की मदद से काफी समय से चलती आ रही समस्या का आज समाधान निकलेगा। आज आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और विवाह योग्य जातकों को आज शादी के प्रपोजल भी आ सकते हैं। आज के दिन लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 4 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 4। मूलांक 4 वालों के लिए सरकारी कामों में आज कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपको किसी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा उधार लेना पड़ सकता है। कोई अनैतिक कार्य करने से आज बचना चाहिए और शॉर्टकट तरीके से भी बचना चाहिए। आज के दिन चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 5 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 5। आज आप अपने अनुभव और बड़ों की सलाह से अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर लेंगे। बच्चे आज अपनी आगे की पढ़ाई को लेकर योजनाएं बनाएंगे। आज परिवार के साथ कुछ थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है। यदि कुछ समस्या लगे तो गुड़ का सेवन करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 6 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 6। आज कारोबार ज्यादा बना रहेगा। ऑफिस में आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, जिनको पूरा करने में आप थोड़ा आज नर्वस फील करेंगे, लेकिन कुछ भी अपनी सूझबूझ से और अनुभव से सभी कार्यों को पूरा कर पाएंगे। यदि कुछ समस्या लगे तो बंदरों को गुड़ खिलाइए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 7 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 7। आज किसी गवर्नमेंट एग्जाम में अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। सरकारी काम बिना किसी अड़चन के आज पूरा हो जाएंगे और किसी धर्म स्थान की यात्रा भी आज हो सकती है। बिजनेस में कोई बड़ा डिसीजन आज सोच समझ कर लेना चाहिए। आज के दिन किसी इंपॉर्टेंट काम पर जाने के लिए गुड़ का सेवन कीजिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 8 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 8। आज आपको ऑफिस में नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा, जिसके कारण वर्क प्रेशर और ज्यादा बना रहेगा और अपनी मेहनत और लगन से आप सारे काम शाम तक पूरा कर लेंगे, लेकिन फिजिकली आज बहुत टायर्ड फील करेंगे। स्वास्थ्य का भी आज ध्यान रखना चाहिए। यदि कुछ समस्या लगे तो काले वस्त्रों का दान कीजिए और काले वस्त्रों से परहेज कीजिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 9 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 9। मूलांक 9 वालों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। बच्चे किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आज सफलता के उनके योग भी बनते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति से आज जरूरी सलाह भी प्राप्त होगी। आज गले में पीले रंग का धागा डालिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। तो आज हमने बात की 1 मार्च के राशिफल की। कल मिलते हैं 2 मार्च के राशिफल के साथ। नमस्कार।